नमस्कार दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार आपने सुना होगा कि असुर और देवता की कहानी शत्रुता से ही शुरू हुई थी। कहते हैं असुर का काम सिर्फ क्रोध और निर्दयी फैलाना ही होता है। वह पृथ्वी पर सबको परेशान करने के लिए ही आए हैं और उनमें से एक कहानी है भस्मासुर की। भस्मासुर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं उन्होंने बहुत घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव को पृथ्वी पर बुलाया था और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वह पृथ्वी पर आए और उनसे कहा कि क्या मांगना चाहते हो वरदान। और उन्होंने उस वरदान के लिए उन्होंने कहा कि वह अमर होना चाहते हैं। तो शिव ने कहा कि यह असंभव कार्य है, ऐसा नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई और वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने उनसे कहा कि मैं जब भी किसी व्यक्ति को तर्जनी उंगली से छूंगा तो वह जलकर भस्म हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दो। और भगवान शिव ने उसका वरदान के लिए उसे आशीर्वाद दे दिया। तभी भस्मासुर ने यह पहले अजमाना पहले शिव पर ही शुरू किया। वह चाहते थे कि वह तर्जनी उंगली भगवान शिव पर रखेंगे तो वह भस्म हो जाएंगे और पार्वती उनकी हो जाएंगी। तो वह जैसे ही भगवान शिव के पास गई वैसे ही भगवान शिव गायब हो गए। जहाँ जहाँ भगवान शिव जाए वैसे भस्मासुर भी उनका पीछा करते करते भगवान शिव के पीछे चला जाए। भगवान शिव इस समस्या का समाधान ढूंढने के चक्कर में कृष्ण की नगरी तक पहुंच गए। भगवान शिव विष्णु की नगरी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी समस्या बताई। तो भगवान विष्णु ने उसका समाधान यह निकाला कि वह खुद मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने चले गए और भस्मासुर उसकी खूबसूरती को देख कर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रहा और उसे अपने विवाह के लिए प्रश्न करने लगा कि वह उससे विवाह करेंगी। और इसके बाद वह उस भस्मासुर से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन वह कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, आप उस शर्त के लिए नृत्य कला को सीखेंगे। तो नृत्य कला को सीखने के लिए भस्मासुर तैयार हो जाता है। जैसे जैसे मोहिनी उसे नृत्य सिखाती हैं वैसे वैसे भस्मासुर भी थिरकने लगता है। जैसे वो पैर थिरकती हैं तो उसी हिसाब से भस्मासुर भी अपने पैर थिरकाने लगता है। मोहिनी ने नृत्य में एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें तर्जनी उंगली उसके सर पर होगी। वैसे ही महिषासुर अनजान अवस्था में होकर जैसे ही उसने वह मुद्रा बनाई तो उसकी तर्जनी उंगली उसके सर पर थी, उसी कारण वह भस्म हो गया। इस कारण से भस्मासुर का अंत हुआ। इस कथा से भी हमें यह सीख मिलती है कि कुछ लोग अपनी मृत्यु का कारण खुद ही होते हैं। भगवान को भी किसी की मृत्यु का कारण बनने का शौक नहीं होता। यह सिर्फ वरदान के कारण हुआ था, क्योंकि भस्मासुर ने जो वरदान मांगा उसका गलत उपयोग करना चाहा। इसी वजह से लिए भगवान ने भी उसके लिए अपना रूप नया उसके लिए नया रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया। जिस कारण से भगवान ने भस्मासुर का अंत किया और भस्मासुर की ये थी कथा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।